साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने आपको एक ऑफसेट का फॉर्मूला करवाया था, ऑफसेट क्या काम करता है, कैसे काम करता है। लेकिन आज हम ऑफसेट का यूज करेंगे एक्सेल वीबीए के अंदर। वीबीए में ऑफसेट क्यों यूज करते हैं? देखिए, काम दोनों का लगभग सेम है, लेकिन यूज करने का तरीका अलग है। हम ऑफसेट की कोडिंग किस प्रकार लिखेंगे? यदि हमने एक्सेल में एक सेल से दूसरे सेल में या एक रेंज से दूसरी रेंज में जंप करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो उस मूवमेंट के लिए हम ऑफसेट का यूज़ करते हैं वीबीए कोडिंग के जरिए। तो ये ऑफसेट हम किस प्रकार लगाएंगे, कैसे कोडिंग करेंगे, ये सारा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो आइए सीख लेते हैं। कंटिन्यू हम इसी फाइल में काम करवा रहे हैं आपको और हमने वही फाइल ओपन कर ली है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, यहाँ पे बटन बनाना भी बताया था। ये बटन काम करते हैं या नहीं करते हैं देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए बटन काम कर रहा है, और हम यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, ये बटन भी काम कर रहा है। अब हम काम करेंगे इस फाइल के अंदर, इसमें नहीं, वीबीए के अंदर करते हैं। ये खाली फाइल है, यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेंगे और यहाँ पर हम एक कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं ये, ठीक है। ये हमारी डाटा एंट्री मान लेते हैं हम यहाँ पर। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट डे हमने इस कोड को रन करना है, तो हमारी कर्सर पोजीशन यहाँ पे आए इस जगह पे, क्योंकि हमने यहाँ तक फिल कर रखा है, यहाँ से डाटा फिल करना है। तो ये हो गया एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल की पोजीशन किस प्रकार देंगे? देखिए, जिस भी सेल के अंदर हमें यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे ये एक्टिव सेल हो गया, ये एक्टिव सेल हो गया, ये एक्टिव सेल हो गया। इसी प्रकार हमको वीबीए कोड के अंदर भी एक्टिव सेल डिफाइन करना होता है कि हमने कहाँ पे कर्सर पोजीशन चाहिए, कहाँ पे एक्टिव सेल कौन सा चाहिए। तो उसके लिए हम मूवमेंट करना सीखेंगे पहले, तो कि हमने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, किस प्रकार मूवमेंट करेंगे। एक्सेल के अंदर हम कैसे मूवमेंट कर लेते हैं, तो माउस से करेंगे या फिर हम एरो की यूज़ करेंगे, करते हैं ना। तो इस प्रकार से मूवमेंट किस प्रकार करेंगे, वो कोडिंग कैसे लिखेंगे वीबीए के अंदर। तो मैं एक्सेल वीबीए ओपन कर लेता हूँ, ऑल्ट एफ 11। तो हमारा वीबीए कोड वो ओपन हो गया जो हमने चलाया हुआ था, दोनों कोड हमारे पास लिखे हुए हैं जो हमने लास्ट वीडियो में बताए थे। तो एक नया प्रोग्राम, एक नया कोड यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। मैं यहाँ पे करूँगा सब और इसका नाम डाल देता हूँ मैं ऑफसेट, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट, क्लोज और एंटर। तो इसमें थोड़ा सा डाउन आ जाते हैं हम, यहाँ पे आराम से कोड यहाँ लिखेंगे, टाइप करेंगे। सबसे पहले तो हमने इस सीट में आना है, इस सीट को एक्टिव बनाना है ताकि इसी सीट में हमने काम करना पड़े। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे सीट्स, और सीट्स का नाम यहाँ पर है वीबीए डॉट सेलेक्ट, हो गया। इस सीट के अंदर हमने जाना है A1 सेल के अंदर, इस सेल के अंदर यहाँ पे जाना है। तब हम टाइप करते हैं क्या लिखेंगे, तो आप सेल्स यूज़ कर सकते हैं या फिर रेंज यूज़ कर सकते हैं। रेंज यूज़ करेंगे, हमने जाना है A1 में, A1 रेंज हो गई हमारी डॉट सेलेक्ट। अब ये कोड हमारा इतना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम यहाँ इस जगह आ जाते हैं और इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। आपके पास डीबग टूल बार चालू होनी चाहिए, हमारे पास यहाँ पे चालू है, और हम स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे एक एक स्टेप, या फिर F8 प्रेस करेंगे। तो ध्यान रहे, आपका मैक्रो वही रन करेगा वो कोड जिस कोड के ऊपर आप होंगे। यदि आपका कर्सर यहाँ पर है तो ये कोड रन होगा, अगर आपका कोड कर्सर यहाँ पे है तो ये कोड रन होगा। फिलहाल हमारा कर्सर यहाँ पे था तो ये कोड रन हो रहा है। फिर से हम F8 प्रेस करते हैं, तो अब वीबीए सीट के अंदर जाना चाहिए, हम ऑलरेडी वीबीए की सीट पे हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो F8 प्रेस करके देखते हैं, देखिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वीबीए के अंदर ही है। यहाँ पर अब ये जाना चाहिए A1 के अंदर, तो यहाँ पर पहुँच गया A1 में, सही चल रहा है। अब हमको आना है एक स्टेप डाउन A2 के अंदर, तो सीधा सीधा हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेंज A2 डॉट सेलेक्ट, है ना। लेकिन वो तरीका गलत तरीका होगा, वो फिक्स हो जाएगा A2 के अंदर। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमने यहाँ पे डाटा फिल किया, ठीक है, और हमारी कर्सर पोजीशन यहाँ पे आनी चाहिए, और यहाँ पे ये सेल हो गया C9 के अंदर आनी चाहिए, और बाय द वे हमने इसमें कुछ डाटा और फिल कर दिया बाद में, तो अब कर्सर पोजीशन आनी चाहिए इस ब्लैंक सेल के अंदर, ये एक्टिव सेल होना चाहिए, तो ये हो गया C11। अगर हमने वहाँ पे C9 लिख दिया तो ये यहीं पे आएगा। देखिए पहले एक बार मूव करा के देखते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे ये यहाँ किस तरह से ये पोजीशन को लेंगे। हम मूव कराने के लिए यहाँ पे एक्टिव सेल देना चाहते हैं A1 के बाद ये वाला A2। तो मूवमेंट के लिए, मूव कराने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट का।
ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब ऑफसेट के अंदर मैं आपका इसका एर्गुमेंट जो इसका सेंटेक्स है वो मैं समझा देता हूँ। पहले तो कह रही है रो ऑफसेट और फिर है कॉलम ऑफसेट। तो सबसे पहली बात तो आपने ये कोड याद नहीं करने हैं जो मैं बता रहा हूँ। कहीं आप इसको याद करने की सोचें बड़ा मुश्किल है, कैसे याद रखेंगे, नहीं याद रखना है। थोड़ा सा आपने बस समझना है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, आप देखोगे, और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये आप कभी भूलोगे भी नहीं। तो ऑफसेट काम करता है, आपने यदि एक्सेल का हमारा वीडियो देखा है ऑफसेट फॉर्मूला का, तो जो करंट सेल है, जो सेलेक्ट है, जो सेल जो रेंज सेलेक्ट है उसको जीरो मानता है। यानी कि हमारी कौन सी रेंज सेलेक्ट है, हमारी A1 हमने यहाँ पे लिखा है, तो A1 सेलेक्ट है, इसको जीरो मानेगा। और हम मूव कराना चाहते हैं कितने डाउन में या कितने राइट में या कितने लेफ्ट में, तो वहाँ से वो जीरो के बाद एक डाउन में काउंट करेगा। ये अगर यहाँ पे आना है तो हम काउंट करेंगे एक, यानी कि एक रो डाउन में आना है, हम यहाँ पे लिखते हैं एक रो हमने डाउन में आना है, कोमा हमने राइट में, कॉलम में नहीं जाना है किसी में भी, हमने इसी कॉलम में रहना है। तो कॉलम नंबर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसी कॉलम में है हम जीरो। अगर हमने इधर आना होता हम डालते एक कॉलम नंबर। ये इसका काम करने का तरीका होता है। जो करंट पोजीशन है यानी कि जो A1 सेल है ये जीरो, अगर हमने डाउन में कितनी रो डाउन आना है उतनी रो डाउन नेक्स्ट रो से काउंट करेंगे, और कॉलम हमने जाना है तो कॉलम नेक्स्ट कॉलम से काउंट करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डॉट सेलेक्ट। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। हम करेंगे यहाँ पे F8 प्रेस, फिर से F8, वीवी सीट के अंदर ही है, A1 में पहुंच गया, और अब इस कोड को रन करेंगे तो ये एक स्टेप डाउन में आ गया। ठीक है, अब मैं एक टेक्स्ट और लिखता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर लिया है। अब मैं यहाँ इस पोजीशन पे हूँ, और यहाँ कोड के अंदर मैं टाइप कर देता हूँ इधर एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 3,2 ब्रैकेट क्लोज डॉट सेलेक्ट। अब आप इस वीडियो को कुछ समय के लिए पॉज कर लीजिए और सोचिए कि अब हमारे जो एक्टिव सेल है वो कौन सा होना चाहिए। देखिए, हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम में लिखा है A1, यानी कि ये पहले A1 में जाएगा, उसके बाद एक्टिव सेल 1.0 यानी कि एक सेल डाउन में आ गया, और उसके बाद कहाँ पे जाएगा ये 3,2 यानी कि यहाँ इस पोजिशन पर आ गया था, यहाँ से 1,2,3 इस पोजीशन पे आ गया, और राइट में 1 और 2 यहाँ पे आना चाहिए C5 के अंदर, है ना। तो C5 में आना चाहिए। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। फिर से हम F8 और F8 A1 में चला गया, और ये काम करेगा एक सेल डाउन, F8 डाउन में आ गया, यहाँ से फिर जाएगा F8, कहाँ पहुँच गया ये C5 के अंदर, क्योंकि पहले इसकी A1 सेलेक्ट किया, वहाँ से एक सेल डाउन आया, और जो एक सेल डाउन आया वहाँ से काउंट करेगा ये, उसको जीरो मान के 3 नंबर और 2 नंबर। ये क्लियर। अब हम चलते हैं कि इस पोजीशन पे अगर हम जैसे डाटा एंट्री करें तो इस तरह से नहीं, हमारा कर्सर पोजीशन सीधा यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, देखिए हम यहाँ इस जगह पर हैं, हम टॉप में हैं या बीच में कहीं पर, हम डाउन में आएंगे तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये लास्ट फिल सेल के अंदर आ जाता है, जो लास्ट फिल सेल होगा उसके अंदर, और फिर एक बार डाउन यूज़ करेंगे तो ये होगी हमारी एक्टिव सेल की पोजीशन। आप मैक्रो रिकॉर्ड करके देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर जो पहला वीडियो हमने बताया था एक्सेल वीवीए का, उसमें मैंने मैक्रो रिकॉर्ड करना बताया था, जो कि हमको कोड लिख के दे देता है ऑटोमेटिक। वो हमारे बहुत मदद का है, मैक्रो हमारी मदद कर सकता है। अगर हमको किसी कोड का नहीं पता है तो हम वो रिकॉर्ड करके देख सकते हैं, और हम रिकॉर्ड करके भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लिख लेते हैं क्या हम सही लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। तो लिखने के लिए हम वापस जाएंगे यहाँ पे, कि इधर तो हम कर देते हैं, इसको तो यहाँ पे डेड कर देते हैं, और हम एक नया मैक्रो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। हम लिखेंगे सब, और इसको कर देते हैं ऑफसेट स्टार्ट के नाम से कर देते हैं। ओके, ऑफसेट स्टार्ट के नाम से मैंने नया रिकॉर्ड किया है, ये यहाँ पे नया प्रोग्राम क्या किया हमने, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं करी है, क्लोज करेंगे। और अब यहाँ मैं शुरू से लिखता हूँ कि सबसे पहले तो हमको यहाँ पे जाना है कहाँ, पहले सेल के अंदर, इधर C1 के अंदर। तो हम ये लिखेंगे रेज C1 डॉट सेलेक्ट, उसके बाद
हमने लास्ट फिल सेल के अंदर आना है, तो उसके लिए लिखते हैं हम सिलेक्शन डॉट एंड, सिलेक्शन डॉट एंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और एक्सेल डाउन, ओके डॉट सेलेक्ट। देखिए अभी याद करने की जरूरत नहीं है इसको, अभी आप समझ जाओगे तुरंत कि ये क्या काम करता है। हमने एक्सेल डाउन किया तो ये क्या हुआ, ये यहाँ से यानी कि हमने कंट्रोल डाउन एरो दबाएंगे, उसको बोलते हैं एक्सेल डाउन। हम यहाँ से सीधा लास्ट फिल सेल के अंदर आ गए, उसके बाद हमने एक सेल नीचे जाना है, तो यहाँ पे लास्ट सेल ये है C11। C11 में हम आएंगे तो यहाँ पे उसके लिए लिखते हैं हम RANG रेंज, रेंज के अंदर हम टाइप करेंगे C11 डॉट सेलेक्ट। ठीक है, हमने ये लिखा, अब हम चला के देखेंगे तो आप देखोगे ये पोजीशन तो सही आ जाएगी। हम एक बार रन करके देखते हैं, F8 C1 में गया, F8 लास्ट फिल सेल के अंदर आ गया, फिर से F8 C11 सेलेक्ट हो गई। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि यदि हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं या फिर हमने यहाँ पे कुछ डाटा कम लिखा हुआ है तो इस पोजीशन पे भी ये क्या करेगा, जैसे भी हम ये ऊपर गया लास्ट फिल सेल के अंदर आ गया और C11 ये इसी पोजीशन पे आ गया, ये सेल फिक्स हो गया। और मैक्रो रिकॉर्ड करके हम देखें, हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं, मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हम जाएंगे वापस यहाँ पे डेवलपर में, यहाँ पे करेंगे मैक्रो, मैक्रो का नाम हम जो मर्जी रखना चाहें रख सकते हैं, ओके करेंगे। तो हमने क्या करना है, मैक्रो के अंदर हम पहले इस सेल के अंदर आ गए, हमने यहाँ पे किया कंट्रोल डाउन, लास्ट फिल सेल के अंदर पहुँचे और यहाँ पे आप या तो माउस से क्लिक करें या फिर डाउन एरो प्रेस कर दें, यही पोजिशन चाहिए हमको। ब्लैंक सेल के अंदर जाना चाहिए, जो लास्ट फिल सेल है उसके डाउन में हमको एक्टिव सेल चाहिए, ब्लैंक सेल। हो गया मैक्रो हमारा रिकॉर्ड, हम इसको स्टॉप कर देते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हुआ है वो कैसा हुआ है। यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर रिकॉर्ड हुआ होगा, आप देखें यहाँ पे मैंने मॉड्यूल के अंदर ये मॉड्यूल ओपन कर लिया है, मैक्रो 2 मैंने रिकॉर्ड किया था, ये रहा मैक्रो 2। दोनों को मैं बराबर रख लेता हूँ, जो हमने कोड लिखा था वो कोड और इसका कोड लगभग सेम है। यदि हम यहाँ पे मैंने जब C11 लिख दिया था, अगर मैं यहाँ पे C7 कर दूंगा तो सेम कोड है ना, यानी कि मैक्रो हमारी मदद तो करता है लेकिन कई जगह ये हमको एक्चुअल कोड लिख के नहीं देता है, तो हमको वो कोड खुद लिखना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे जो ये लाइन लिखी है हम ये यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, हम ऑफसेट यूज़ करेंगे, क्योंकि जो भी लास्ट फिल सेल होगा उसके एक सेल डाउन में पहुंच जाए, हम सेल नंबर नहीं देंगे वहां पे, वो फिक्स हो जाएगा सेल नंबर। हमने क्या करना है यहाँ पे, हमने यहाँ पे करना है एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट ब्रैकेट स्टार्ट। हमने जो पोजीशन आई हमारी, क्या पोजीशन आई हमारी, यहाँ पे आई ना लास्ट फिल सेल, तो यहाँ से एक सेल डाउन यानी कि एक रो डाउन जाना है, तो ये 0 0 के बाद एक रो हमने डाउन जाना है, दो नहीं एक रो, कोमा कॉलम उसी कॉलम के अंदर, तो वो हो जाएगा 0 ब्रैकेट क्लोज और डॉट सेलेक्ट कंप्लीट। अब इसको रन करके देखते हैं, हम करेंगे यहाँ पे F8 फर्स्ट पोजीशन पे गया, फिर से F8 लास्ट फिल सेल के अंदर आ गया, फिर से F8 ये इससे नेक्स्ट सेल ले लिया। अगर हम यहाँ पे कुछ डाटा और ऐड कर देते हैं, मैं यहाँ पे कुछ डाटा और ऐड कर देता हूँ, ये बीच में ब्लैंक रह गया। अब फिर से इसको रन करेंगे कोड को, हम यहाँ पे करेंगे फिर से F8 ऑफसेट स्टार्ट फंक्शन चालू, F8 C1 के अंदर गया, F8 एक्सेल डाउन यानी कि कंट्रोल डाउन जो हम यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर, इसने वही काम किया है, ये उस पूरी रेंज में लास्ट फिल सेल के अंदर पहुँच गया, फिर से F8 ये एक स्टेप डाउन आ गया। समझ गए कि ऑफसेट हमारा क्या काम करता है, हमने कहाँ पे कैसे मूव कराना है, कहाँ कहाँ जाना है हमने सीट के अंदर, वो सारा ऑफसेट काम करेगा। अब मैं कुछ कोड और लिखता हूँ जिनको आप देखना। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ और लाइनें लिख दी हैं, जैसे ऊपर लिखा था मैंने सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन, मैंने वही लाइनें यहाँ पे लिखी हैं, इनसे आप समझ गए होगी मैंने क्या यूज़ किया। मैंने कंट्रोल डाउन, कंट्रोल अप, कंट्रोल लेफ्ट, कंट्रोल राइट, जिस प्रकार हम यहाँ पे मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं, अगर हम यहाँ पे हैं हमने किया कंट्रोल डाउन, लास्ट फिल सेल के अंदर आ गया कंट्रोल अप,
लास्ट फ्यूल सेल के अंदर पहुंच गया ऊपर की साइड में, कंट्रोल लेफ्ट करेंगे लास्ट फ्यूल सेल के अंदर लेफ्ट में जाएगा, फिर से कंट्रोल डाउन, लास्ट फ्यूल सेल इसने पकड़ लिया, फिर कंट्रोल राइट, फिर लास्ट फ्यूल सेल पकड़ लिया, है ना, जहाँ तक इसको लास्ट फ्यूल सेल मिलेगा वहाँ पे जाएगा। अगर आखिरी में कोई फ्यूल सेल नहीं है, हम यहाँ पे कंट्रोल डाउन यूज़ करते हैं और फिर से अब कंट्रोल डाउन यूज़ करेंगे, तो लास्ट में अब जहाँ पे फ्यूल सेल मिलेगा वहाँ पे ये पहुँचेगा। अगर कोई भी सेल फ्यूल नहीं है तो कहाँ जाएगा, ये कंट्रोल डाउन करके देखते हैं, तो ये लास्ट रो के अंदर पहुँच गया। ओके, तो ये इसको जहाँ तक लास्ट फ्यूल सेल मिलेगा वहाँ पे कंट्रोल लेफ्ट राइट अप डाउन से ही पहुँचेगा। और यही कोड हमने यहाँ पे लिखे हैं, जिस प्रकार हमने यहाँ पे लास्ट फ्यूल सेल के लिए यहाँ पे आने के लिए हमने किया था एक्सेल डाउन हो गया, फिर एक सेल डाउन आ गया था, फिर मैंने यहाँ पे ये कोड लिखा है वापस ऊपर जाने के लिए। तो साथ साथ मैं इसको चलाता हूँ, चला के आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ F8, ऑफसेट हमारा कोड चालू, फिर से F8 C1 के अंदर पहुंचा, फिर से F8 एक्सेल डाउन, और फिर ऑफसेट यानी कहना चाहिए एक्सेल डाउन ब्लैंक में हम F8 करेंगे तो डाउन में आ गया। अब ये कह रहा है एक्सेल अप, यानी कि यहाँ से ये अप जाएगा कितना, लास्ट फ्यूल सेल के अंदर। तो यहाँ के बाद लास्ट फ्यूल सेल तो इसको यही मिल रहा है, हम चला के देखते हैं F8, देखो उसके बाद फिर से एक्सेल अप लास्ट फ्यूल सेल ये माना जाएगा, हम करके देखते हैं F8 पहुंच गया। फिर से ये कह रहा है एक्सेल टू लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट में जाना चाहिए लास्ट फ्यूल सेल के अंदर, हम करेंगे F8 लास्ट फ्यूल सेल के अंदर पहुंच गया। फिर से हम करते हैं F8, देखिए लास्ट फ्यूल सेल के अंदर पहुंच गया। फिर से हम करते हैं F8, इस बार राइट में जाना चाहिए तो राइट में आ गया। ओके, तो ऑफसेट का फंक्शन हमको शीट में कहाँ पे जाना है, किस सेल में पहुँचना है, ये मूवमेंट तय करता है, उसको मूव कराने के लिए काम करता है उस एक्टिव सेल पे पहुंचने के लिए। अभी तो हम सिर्फ मूव करें हैं यहाँ पे, अगर इसके बाद हमने एक्टिव सेल में जाना है, यहाँ पे है लास्ट मूवमेंट हमारा और हमने एक्टिव सेल बनाना है अब इस सेल को, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टाइप करेंगे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी रो तो यही रहेगी, है ना, तो रो नंबर हो गया हमारा 0 कोमा कॉलम नंबर हमने 1 में जाना है, कॉलम नंबर 1 क्लोज डॉट सेलेक्ट। और अब इसको रन करके देखते हैं फटाफट हम F8 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 F8, फिर से हम देखो इसी पोजीशन पे ये फटाफट जो हमारे थे स्टेप वो यूं के यूं यहाँ पे मूव करा रहा है। अब ये लास्ट स्टेप आ गया तो ये इसके राइट वाला सेल हमारा एक्टिव सेल होना चाहिए और वही एक्टिव सेल इसका हो जाएगा। ओके, तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।